Hello students. Hello sir. Today I am sitting in class 10 and this video is for your assignment of month November. November महीने का आपका assignment आ चुका है, तो उसी के लिए जो है वो आज हम लोग ये video बना रहे हैं, ठीक है। जो लोग मेरे video में नए हैं वे लोग जो है वो channel को subscribe कर लेंगे, ताकि जो है वो आपको हर महीने, अब सिर्फ दो मेरे ख्याल से और असाइनमेंट है, तो दोनों असाइनमेंट के वीडियो जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि आप इधर उधर के अनरिलायबल जो सोर्सेस होते हैं वहाँ से आप आंसर मत लिखो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका कोई एक आंसर गलत होता है या ग्रामर का कोई एक टॉपिक गलत होता है, और यदि एक कोई गलती करता है तो सभी लोग जो है वो फिर उस गलत आंसर को लिख देते हैं, है ना। तो आखिर आपको असाइनमेंट को तो देख के ही तो करना है, ठीक है ना। तो ये इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि कम से कम आप असाइनमेंट को सही सही करो, सही सही उसका आंसर लिखो, कुछ भी गलत सलत आपको नहीं लिखना है, कहीं से भी अनरिलायबल सोर्स से नहीं लिखना है, ठीक। ज्यादातर आपको आंसर जो है वो मेरे ब्लॉग से मिल जाएगा, जो क्वेश्चन आंसर है इसमें उसका आंसर जो है आपको चंद्रा स्टडी रूम जो मेरा ब्लॉग है वहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो असाइनमेंट होता है वो कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का, ठीक। तो देखिए इसमें जो है वो पहला क्वेश्चन जो है इसमें ए और बी करके दो क्वेश्चन हैं, और दोनों के लिए जो है वो तीन तीन नंबर, मतलब एक क्वेश्चन के लिए जो है वो तीन नंबर, तो इस प्रकार से 6 नंबर का है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें है, Why did Swaminathan act as being deaf to the question that the headmaster was putting to him? Swami was expelled from the school. इसका क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। आंसर जो है वो आपको ब्लॉग से मिल जाएगा, डायरेक्टली इसका आंसर मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, या आपकी कोई भी जो नवबोध या युगबोध की जो बुक है वहां से मिलेगा, ठीक। तो इधर उधर से और कहीं से आप लोग नहीं लिखेंगे। और सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेडमास्टर व्हेन ही एंटर्ड द क्लास। ये आपका जो है वो स्वामीनाथन वाला, जो यदि आप लोग फर्स्ट लाइन ही पढ़ेंगे तो वहीं पर ही इसका आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में। On that day, his face was red with anger, है ना? और जो है वो इस प्रकार से उसका आंसर है, और तीन नंबर का है। ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर जो है वो तीन लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ये दो क्वेश्चन ही है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये इसमें 1 2 3 4 5 6 जो है वो ग्रामर के क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कैसा है आपका, खाली स्थान वाला है, मतलब आपको खाली स्थान भरना है, जिसका आंसर जो है वो सामने पोस्टर में दिया हुआ है उसी आंसर में से एक आंसर इसका करेक्ट है। तो आप लोग चाहो तो अभी नोट कर सकते हो, या बाद में आप लोग जो है वो वीडियो देख करके जो है वो आप उसको सुन करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला है, द स्काई इज ओवरकास्ट इट डैश रेन, आंसर्स हैं, अभी मत कीजिए आप, बाद में जो है इसको कर सकते हैं, या सिर्फ आंसर आंसर को अभी कर सकते हो बाद में, या तो वीडियो में, तो अभी मैं बताऊंगा ही, तो आप सुन करके जो है वो कर लेना बाद में, ठीक है।
The sky is overcast. It may rain आएगा. May इसका आंसर आएगा MAY. जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आएगा इसका. फर्स्ट वाला ऑप्शन. उतना आप नोट करके रख सकते हैं. ठीक है. बी वाला जो क्वेश्चन है, वी डैश हरी, वी आर वेरी लेट फॉर स्कूल, मस्ट मे एंड माइट. तो इसका आंसर आएगा मस्ट. वी मस्ट हरी. मस्ट मतलब हमको जल्दी करना पड़ेगा. ये उसका आंसर. ठीक है. सी है, He is working hard so that he dash stand first in the class. Could, should or would. तो इसका आंसर आएगा could. He could stand first in the class. ठीक है. क्वेश्चन नंबर डी, Children dash to obey their parents. ठीक है. तो इसमें भी तीन ऑप्शन है, मे शुड और ऑट. तो क्योंकि इसमें टू ओबे लगा है तो इसके यहां पर आ जाएगा ऑट. ठीक है. ओ यू जी एच टी. यहां आपका ऑप्शन में दिया हुआ है ऑट. आप जो है वो असाइनमेंट ओपन करके जो आपके ग्रुप में भेज दिया गया है वहां से जो है वो आप उसको देख करके कर सकते हैं ऑट. ओ यू जी एच टी ऑट. ओके. फिर ई मतलब कि फिफ्थ है, ही डैश नॉट एंड इंसल्ट मी. इसका आंसर आ जाएगा आपका डेयर. ही डेयर नॉट इंसल्ट मी. डी ए आर ई डेयर. तीन ऑप्शन है इसमें, डेयर मे और मच. इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. ठीक है. फिर लास्ट क्वेश्चन है, माय ग्रैंड मदर इज 65 इयर्स ओल्ड बट शी स्टिल डैश रीड विदाउट ग्लासेस. इसमें ऑप्शंस तो कुछ नहीं है लेकिन इसका सही आंसर है She still can, C-A-N. ठीक है. तो ये जो है वो छह जो ग्रामर के क्वेश्चन है इसके करेक्ट आंसर. ठीक. यहां वहां से आप नहीं करेंगे. जिनको एक बार में समझ में नहीं आएगा वो दोबारा वीडियो देख करके आप जो है वो इसका आंसर कर सकते हैं. और ये वीडियो जो है वो आप अपने फ्रेंड्स को भी सेंड कर दीजिएगा या यदि आपके किसी दूसरे स्कूल में है तो वहाँ पर और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलिएगा. ठीक है. क्योंकि आप जानते हैं कि इस वीडियो में जो है या जो अभी चंद्र स्टडी रूम का जो चैनल है मेरा उसमें आपके जितने भी अभी तक के हैं जो हमारे नए सिलेबस के अनुसार हैं सभी लेसन्स के और लेसन्स के तो नहीं लेकिन पोएम के एटलीस्ट वीडियो बना हुआ है ना. तो आप वहां से देख करके सही सही आंसर चूज कर सकते हैं. एक बार में समझ में नहीं आए कई बार आप उसको देख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स का है. 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स. एक एक क्वेश्चन पे एक एक नंबर. ठीक है ना. फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स. ठीक है. 1 × 8 = 8 marks मतलब आपका 8 नंबर का एसे राइटिंग. ठीक. तो 8 नंबर का एसे राइटिंग का मतलब ये हुआ कि कम से कम इसको आपको जो है. ठीक है. कितने शब्दों में? 300 शब्दों में इसको लिखना पड़ेगा. कम से कम 300 शब्दों में मतलब कि 3 पेज इसमें होना चाहिए. ठीक है.
इसके टॉपिक्स आप सुन लीजिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन स्टडी का फायदा और नुकसान। दूसरा है साइंस इज अ बून और कर्स, वंडर ऑफ साइंस क्या है समझ लीजिए, है ना। कोरोना वायरस अ पैंडेमिक, बहुत करंट का टॉपिक है ये, कहीं पर भी आप नेट से सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। बहुत लेंथी नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा 3 पढ़ना, ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों का महत्व, ठीक है। फिर है छत्तीसगढ़ द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ ट्राइबल इंडिया। तो ये 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है। तो इस प्रकार से जो है ये टोटल 20 मार्क्स का हो जाए, ठीक है। तो आपको जब नया असाइनमेंट मिलेगा तो उस समय फिर से जो है आपका नया वीडियो आ जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही चुके हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए, ठीक है, ताकि आपको नया से नया वीडियो जल्द से जल्द मिलता रहे। और आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देखेंगे, एक ना एक बार तो वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक। आप लोग चाहेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है मैं आपको ग्रामर का आंसर डाल दे रहा हूँ, ताकि यहाँ वहाँ से आपको सर्च ना करना पड़े। ओके।